नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो जो है वो बेसिक गिटार को कैसे होल्ड करते हैं और किस तरीके से पिक करते हैं और किस तरीके से हम गिटार पे फ्रेटबोर्ड पे पहला जो एक्सरसाइज है वो हमें किस तरीके से करना चाहिए उसके रिलेटेड में है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अगर आप बिगिनर हैं तो इसको अप्लाई करें, और अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों, पहले हमें सेटिंग पोजीशन को समझना है कि हमें किस तरीके से बैठना है। मैं अभी एक नॉर्मल चेयर पे बैठा हूँ जिसमें हैंड रेस्ट नहीं, ठीक है, और अब मैं स्ट्रेट बैठा हूँ। आप जब स्टार्टिंग में पहली बार जब ट्राई कर रहे हैं, पहली बार बजा रहे हैं, तो एकदम रिलैक्स होकर बिल्कुल भी ना बैठें, जैसे कि एकदम पीछे जाके या गिटार को एकदम ऐसा करके बिल्कुल भी नहीं बजाएं, एकदम स्ट्रेट बैठें। और जो गिटार का जो कर्व शेप है, ये जो पोर्शन है, इसको आप अपने थाई पे रखें, राइट लेग पे रखें, ठीक है। ये जनरली उसी के लिए ये जो शेप है कम्फर्ट रखता है। ओके, इसको ऐसे रखें और अपना जो राइट हैंड है उसको यहाँ इस पोर्शन पे ऐसे रख दें, ठीक है, और अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको यहाँ रख दो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप गिटार ऐसे होल्ड कर रहे हो तो जब आप यहाँ पे हाथ रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यानी बोलते हैं ना, बैलेंस मिल जाएगा, पूरा एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए ये चीज़, ना कि बल्कि बहुत ही नीचे या बहुत ऊपर, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, कम्फर्ट एकदम पक्का आपको पता चल जाएगा कि जब आप होल्ड कर रहे हो गिटार को, ठीक है। और अपना हाथ जो है, जो लेफ्ट हैंड है, उसको आप स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रिंग्स को छुए बिना यहाँ पे ऐसे लटका सकते हैं, थंब को यहाँ रख के रेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी रख सकते हो आप, यहाँ भी रख सकते हो, जनरली मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा क्योंकि आगे चल के आपको इधर ही बजाना है, तो आप ऐसे ही रखें, होल्ड करें। तो ये हुआ होल्डिंग की बात कि गिटार को आप कैसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप होल्ड कर रहे हो गिटार को, बहुत ही ज़्यादा ऐसे टिल्ट करके नहीं ले जाना, क्योंकि जो बहुत से बिगिनर होते हैं, जो स्पेशली छोटे बच्चे लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब बजाते वक्त स्ट्रिंग दिख रहा नहीं है करके बोलते हुए वो एकदम से गिटार को ऐसे 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 करके नीचे ले जाते हैं, ऐसे ही टिल्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत टिल्ट ओके है, पर एकदम से एकदम ऐसे टिल्ट करके ऐसे ऐसे नहीं बजाना है, एकदम ऐसे ऐसे नहीं बजाना है, ठीक है। आप स्ट्रेट रखो, आप गिटार को सपोर्ट कर लो, आप उस पे ऐसे थोड़ा सा बेंड होके आप ऐसे देख के प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है होल्डिंग की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि गिटार के पार्ट्स क्या क्या हैं, किसको क्या बोलते हैं। ये जो पोर्शन है इसे हम ब्रिज बोलते हैं, यहाँ पे गिटार के स्ट्रिंग्स को फिक्स करके यहाँ पे टाई करते हैं, यहाँ पे इसके यहाँ पे लगा के इसको गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। और ये है ट्यूनिंग एरिया, इसको हम पेग भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। जनरली जब कभी कभी ऐसा होता है कि बिगिनर जब बजा रहे तो स्ट्रिंग बोले लूज़ हो गया करके इसको ऐसे ही अपने आप ही घुमाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप पहले सुर का अच्छी तरीके से समझ रखो, उसके बाद उसको ट्राई करो। बहुत से ऐप मिलते हैं गूगल पे, आप उसको देख के डाउनलोड करके आप उसको ट्यून अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पे भी अगर मैं वीडियो अगर बनाना है ट्यूनिंग के ऊपर तो आप ज़रूर मुझे बताना, मैं बनाऊंगा। ओके, अब इसको हम फ्रेट बोलते हैं, ये जो एरिया है इसे हम फ्रेट बोर्ड भी बोलते हैं और फिंगर बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो लगे हुए हैं ना 1 2 3 4, इसे हम फ्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पहला डॉट जो है वो थर्ड फ्रेट पर है, दूसरा डॉट है वो फिफ्थ फ्रेट पे, और यहाँ पे अगर आप देखो 12th फ्रेट पे तो वहाँ पे डबल डॉट है, आप देख सकते हैं इधर डबल डॉट है यहाँ पे, ठीक है। और वो सेम डॉट यहाँ पे भी दिया हुआ है। ओके, तो ये हुई डॉट की बात। फिर आता है जो भी ये यहाँ पे डबल डॉट इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि जो भी हम ओपन नोट्स बजाते हैं उसका जो ऑक्टिव है, जो एकदम हाई नोट है, वो यहाँ पे क्लोज में बसता है। वो सब हम बाद में मैं और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, फ़िलहाल तो बेसिक पे ही रहते हैं थोड़ा, ठीक है। ये फ्रेट्स कोई गिटार में 20 होते हैं, किसी में 22 होते हैं, किसी में 24 होते हैं, किसी में 18-19 भी होते हैं, डिपेंड। इलेक्ट्रिक गिटार पे जनरली 24
22 चॉइस तो होते ही हैं, और एकोस्टिक में होता है 19, 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेट है। अब ये फ्रेट का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप प्ले कर रहे हो कोई भी नोट यहाँ पे, तो ये पिच है, जो पिच यानी साउंड है उसको चेंज करता है। अगर आप आगे को ले जाएंगे तो पिच धीरे धीरे बदलता जाएगा, सुर ऊंचा जाएगा। ठीक है, अगर आप पीछे को जा रहे हैं तो सुर नीचे को जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये जो ऊपर के दो स्ट्रिंग्स हैं वो जनरली बेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बेस टोन, जो गिटार में एकोस्टिक के लिए जो बेस टोन है वो उसके हिसाब से। नीचे के बीच के दो स्ट्रिंग्स हैं उस वो मिडल जो आवाज़ है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो नीचे के दो स्ट्रिंग्स हैं वो जनरली हाई सुर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली बेस, मिड और हाई तीनों को यानी अच्छी तरीके से डिवाइड करता है गिटार। बहुत ही मस्त इंस्ट्रूमेंट है यार। ठीक है, तो ये हुआ उसके पार्ट्स, फ्रेटबोर्ड और स्ट्रिंग। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स के नाम। ठीक है, ये है ई, जो ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है ये है ई, दूसरा है ए, उसके बाद है डी, जी, बी, ई। ओके, ई, ए, डी, जी, बी, ई। ठीक है, अगर आप नंबर वाइज गिनो तो ये 6 है, ये लास्ट स्ट्रिंग है। ठीक है, फर्स्ट जो पहला जो स्ट्रिंग होता है वो नीचे रहता है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे कभी भी यानी फर्स्ट मत मानना कि लो स्ट्रिंग है, तो ये जनरली ये पहला स्ट्रिंग समझते हैं बिगनर जो है, वो ये समझते हैं कि ये पहला स्ट्रिंग है, ये पहला नहीं है, ये लास्ट है। ओके, सो नंबर वाइज अगर ऊपर से आप काउंट कर रहे हो तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्लेक्ट्रम कैसे होल्ड करते हैं, ये जो चीज़ है इसे हम प्लेक्ट्रम बोलते हैं। आप इसे कैसे होल्ड करोगे, अपना जो पहला उंगली है, ये जो है ये उंगली है, उसको उसका जो ये पोर्शन है उसको आप बेंड कर दो। ठीक है, और उसके बाद ये थंब से उसको होल्ड कर दो। जो नॉब है वो थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए ताकि आप आराम से पिक कर सको। ठीक है, और मैं अपना जो लिटिल फिंगर है मैं यहाँ रखूँगा और 1 by 1 इसे पिक करूँगा। ओके, जब आप पिक कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इधर नहीं देखना है, आपको यहाँ देखना है, यहाँ देख के ही बजाना है। जनरली बिगिनर्स को थोड़ा टफ रहता है कि भाई यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, पर आप कोशिश करो कि यहीं देखो। आप जब आप पिक कर रहे हो तो आपको वो स्ट्रिंग्स का वाइब्रेशन दिखेगा, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ अगर कोई स्ट्रिंग मिस भी हो गया तो आप उसको फिर से बजा सकते हैं। ठीक है, ये लिटिल फिंगर रखने का एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपको अच्छी तरीके से डिस्टेंस पता चलेगा, आपको स्पीड में बजाने में थोड़ा और क्लैरिटी में हेल्प करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। जब आप रिवर्स ले रहे हो तो आपको सेम डाउन पिक ही रखना है और अप आना है। ठीक है, तो ये हुआ पिकिंग एक्सरसाइज की बात। अब हम बात करते हैं फ्रेटबोर्ड एक्सरसाइज के। जो पहला एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल है पर इफ़ेक्टिव है। बहुत ही आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा जब आप फोर्थ फिंगर को आप यूज़ करोगे तब। ठीक है, तो हम देखते हैं उसको कैसे हम यूज़ करें। तो पहला जो चीज़ है, आप अपने थंब को सेकेंड फ्रेट के पीछे रखो। जैसे कि मैंने कहा कि ये फर्स्ट फ्रेट है, सेकेंड फ्रेट है, थर्ड फ्रेट है, आप सेकेंड फ्रेट के पीछे ऐसे हैंग कर दो। हैंग करके आप जैसे ही उसको क्लोज करोगे आपकी उंगली आराम से पहुंच जाएगी। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोगों को वो थोड़ा दिक्कत होता है पहुंचने में, उंगली पहुंच नहीं रही ऐसा उनका मानना होता है, पर वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, सबकी उंगली पहुंच जाती है। आप थंब को थोड़ा सा डाउन करो, तो जैसे ही आप डाउन करोगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर गैप मिलेगा। ठीक है, और आप इजीली आप होल्ड कर सकते हो। जब आप ये एक्सरसाइज करो तो ध्यान रखना कि आपको फिंगर टिप यूज़ करना है, ये जो टिप है उसको यूज़ करना है। बिल्कुल भी आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस नहीं करें स्टार्टिंग में,
ठीक है, ऐसे रखे ऐसे रखे, ऐसे मत करना, आपको सीधा टिप ही लगाना है। टिप रखो और होल्ड करो, प्रेशर को होल्ड करो और सेम स्ट्रिंग को बजाओ और साउंड को सुनो अच्छी तरीके से, ठीक है। एक बार आपको अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है, देन टेक नेक्स्ट, ओके। ठीक है, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आप उंगली को ज़्यादा दूर ना ले जाओ, आप एकदम क्लोज रखो, मैक्सिमम हो सके उतना क्लोज रखो और फिर ये एक्सरसाइज करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दूर ले जाओगे तो उतना टाइम लगेगा वापस आने में, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को या तो आप सारे डाउन स्ट्रोक पे मार सकते हैं, स्ट्रोक यानी ऐसे पिक करना, ठीक है, आप डाउन करके बजा सकते हो, या तो फिर आप अप एंड डाउन करके बजा सकते हो, जैसे कि अप सॉरी डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसे, ठीक है। डाउन अप थोड़ा क्या है कि आपको और भी स्पीड में बजाने में थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है, और वो उसका एक अलग सा ही एक टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में आप सारे नोट डाउन पे बजाओ, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। जब आप नीचे की स्ट्रिंग बजा रहे हो तो थंब आपका ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, और जैसे ऊपर आ रहा है तो आपकी उंगलियां थोड़ी सी आप टिल्ट कर सकते हो, ठीक है, टिल करके आप उसको वापस ऊपर ले जा सकते हो। तो जनरली एक और चीज़ है कि आप जब ये एक्सरसाइज करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो गैप है फ्रेटबोर्ड के बीच में से, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, ठीक है, एकदम ऐसे रख के नहीं बजाना, इसको थोड़ा डाउन करके थंब प्रॉपरली रखना है, थंब एकदम ऐसे मत ले जाना है, तो आपको उतना प्रेशर नहीं मिल पाएगा, आपको थोड़ा स्ट्रेट रखना है, ठीक है, और इस तरीके से रख के फिर ही बजाना है, ओके। सो शुरू करते हैं फिर से, ओके, फिर रिवर्स भी आप ले सकते हैं, आपका बेसिक पहला एक्सरसाइज जो आपके चारों उंगलियों को एकदम बोलते हैं ना स्मूथ करेगा, धीरे धीरे पूरा मूवमेंट देगा, ओके। और आप जरूरी है फिंगर पिकिंग एक्सरसाइज पे भी आप जरा फोकस करें, ओके, देन रिवर्स। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप यहां देख सकते हो, आप इधर ही देख के ही आपको प्ले करना है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।